खोई हुई चीजें कहाँ जाती हैं, खोई हुई चीजें कहाँ जाती हैं। मैं 10 साल की थी शायद जब पहली बार अपने दादू से यह सवाल पूछा था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, हम अपने गांव के छत पे बैठे थे, वही छत जहां सामने बरगद का एक पेड़ था और उस पेड़ पे बहुत से टिमटिमाते जुगनू भी। मुझे याद है उस दिन मैंने अपनी सबसे फेवरेट पेंसिल खोई थी। ये तो पता नहीं कि वो मेरी फेवरेट पेंसिल क्यों थी, शायद उस पे नॉडी बना था या उस टाइम पे वो शो आता था ना शाकला का बूम बूम, शायद उसके जैसी लगती थी। पर इतना ज़रूर याद है कि उस पेंसिल को ढूंढने के लिए मैंने पूरा घर सर पर ले लिया था। मैंने उसे छत के हर कोने में ढूंढा, उसको आंगन में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मानो कोई आया हो और उसे मुझसे छीन के ले गया। जब घंटों तक ढूंढने के बाद वो पेंसिल मुझे नहीं मिली तो मैंने अपने दादू से पूछा, दादू खोई हुई चीजें कहाँ जाती हैं। दादू ने मेरा बाल सहलाते हुए मुझसे बोला कि खोई हुई चीजों के बारे में इतना नहीं सोचते, मैं तुम्हें कल एक नई पेंसिल ले आऊंगा जो उससे खूबसूरत है, उससे ज्यादा कलरफुल है। पर मैं नहीं मानी, मुझे एक न्यू पेंसिल चाहिए ही नहीं थी, मुझे वही पेंसिल चाहिए थी जो खो गई थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के फिर दादू ने बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में दूर पहाड़ों पे एक पेड़ था, वैसा ही पेड़ जैसा बरगद का हमारी छत से दिखता था। उस पेड़ के आसपास भी वैसे ही जुगनू टिमटिमाते, मगर एक डिफरेंस था, उस पेड़ के नीचे एक डिब्बा था। वो होता है ना स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का डिब्बा, तो वो कांच का डिब्बा था और उस पे गुलाबी फूल बने थे। दादू ने बोला कि उस डिब्बे के अंदर जाती हैं खोई हुई चीजें। उसी डिब्बे में थी मेरी वो पेंसिल और वो टिंकल की कॉमिक्स जो किसी मार्केट में गिर गई थी मेरे बस्ते से, और हाँ वो ग्रीटिंग कार्ड भी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था क्लास 5 में मेरे बर्थडे पे, पर फिर कभी नहीं मिला मुझे। ये सारी चीज़ें दादू ने बोला उस डिब्बे में बंद हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैंने बोला मेरी चीज़ें मुझसे ही छीन के कोई किसी डिब्बे में क्यों रख रहा है। तो दादू ने मुझे बोला कि जिंदगी कभी कभी हमसे वो चीज़ें छीन कर उनको देती है जिनको उससे ज़्यादा ज़रूरत हो। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं उस समय छोटी थी, मैंने पैर पटकते हुए बोला पर वो चीज़ें मेरी हैं और मेरे से छीन कर वो किसी और को क्यों दे रहा है कोई। तो इस पे दादू ने मेरा हाथ थामा और बोला कि उस डिब्बे की एक चाबी है, उस पे एक मजबूत सा ताला है और उसकी चाबी हमें ज़िंदगी तभी देती है जब हमें उसकी ज़रूरत हो। मैं समर वेकेशंस ख़त्म हुए, हम लोग दिल्ली वापस आए, दिल्ली जहाँ से वो गांव का छत, दादू और वो टिमटिमाते जुगनू बहुत ही दूर थे, मगर फिर भी उस डिब्बे की कहानी और उस चाबी की कहानी मेरे दिमाग से नहीं निकली। मुझे कई महीनों तक एक ही सपना आता रहा कि मैं आधी रात में भाग रही हूँ अपने कंधे पर एक बैग लटका के, और मैं भागते भागते एक पहाड़ पे जा रही हूँ। मुझे ये पता नहीं वो पहाड़ कहाँ था, क्या वो श्रीनगर था, मनाली था या सरहद पार था, मुझे सपने में ये नहीं पता चलता था वो पहाड़ कहाँ है। पर मैं उस पहाड़ तक पहुँचती तो वहाँ मुझे वो बरगद का पेड़ दिखता और उस पेड़ के नीचे वही कांच का डब्बा जिसपे गुलाबी फूल बने थे। लेकिन हर बार जैसे ही मैं उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करती तो वो कमबख्त चाबी नहीं मिलती थी और मेरी नींद खुल जाती थी। जैसे जैसे साल बढ़ते गए वो खोई हुई चीज़ों की लिस्ट भी बढ़ती चली गई। मैंने क्लास 5th में जिसे सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड का टैग दिया, वो भी उसने स्कूल बदल लिया और कहीं खो गई।
क्लास 10th में जो पेंटर बनने का सपना देखा था वो सपना भी कहीं खो गया। और कुछ कुछ होता है देखने के बाद, जो शाहरुख के नाम पे लव लेटर लिखा था वो भी कभी उस तक नहीं पहुंचा। जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ते चला गया, मेरे दिमाग में वो सवाल भी बढ़ते चला गया कि वो चाबी मुझे कब मिलेगी, मुझे कुछ तो होगा जिसकी मुझे ज़रूरत है और वो चाबी से मैं उस डिब्बे को खोल कर वो चीज़ें ले पाऊँ। मगर दादू बोलते रहे कि जब वो चाबी तुम्हें मिलेगी तो तुम मुस्कुराओगी। ऐसे ही कई महीने बीते और एक दिन मुझे पता चला कि दादू हमारे साथ रहने दिल्ली आ रहे हैं। मुझे लगा कि शायद वो मुझे उस चाबी को ढूंढने में मदद करने आ रहे हों। मैं बहुत खुश हुई, पर फिर पता चला कि डॉक्टर्स ने बोला है कि उन्हें कैंसर है। उनका कैंसर का इलाज काफी महीनों तक चला और उस समय शायद मुझे समझ नहीं थी, बट मेरे लिए वो महीने बहुत अच्छे थे, बिकॉज उन महीनों में हम साथ में बैठ के क्रिकेट देखते, हम पोगो पे टकेशीज कास्टल चला के ठहाके लगाते थे, हम रोज़ न्यूज़पेपर खोल के सडोकू को सॉल्व करते थे, और ऐसे ऐसे हम शायद पहले से और करीब आते चले गए। फिर एक दिन दादू हॉस्पिटल गए और कभी वापस नहीं आए। मेरी फेवरेट पेंसिल की तरह वो भी कहीं खो गए। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस उनके कमरे में गई तो उनका मैंने अलमारी खोला और अलमारी के अंदर न्यूज़पेपर में रैप्ड एक बक्सा था। जैसे मैंने न्यूज़पेपर हटाया तो उसके अंदर वही कांच का डब्बा जिसपे गुलाबी फूल बने थे वो रखा था। मैं चौंक गई और मैंने कांपते हुए हाथों से वो डब्बा खोला तो उसके अंदर वही पेंसिल थी जो बहुत साल पहले मेरे से खो गई थी, और उसके साथ में एक कागज़ पे मेरे दादू के हैंडराइटिंग में लिखा था, बहुत साल पहले तुमसे छीन कर ये पेंसिल मैंने इस डिब्बे में छुपा दी थी। उस टाइम पे तुम्हारे पास बहुत सी पेंसिल्स थी, उस टाइम मैं भी था तुम्हारे पास और टिमटिमाते जुगनू भी, मगर शायद आज तुम्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो लो ये पेंसिल और लिखना इससे खोई हुई चीज़ों की कहानी, और याद रखना कि खोई हुई चीज़ें हमें मिलती हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो।